यहाँ पर हर दिन मैं देखता हूँ, हर शाम को मैं देखता हूँ कि आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं। मैं कोई नहीं देखता सर, मैं तो यहाँ ही से गुजरता हूँ कई बार, तो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो तैयारियाँ कर रहे हैं उसी के लिए हम आज मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि आप लोगों को लॉ के बारे में बता दूँ और जो चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि आदमी कई बार जब हम भी छोटे बच्चे थे, आप लोगों की तरह ही थे, तो क्या होता है कि जब एक बड़ा होता है उम्र का, तो आपको लगता है कि हमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। उस एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है। कोई भी अगर नियम बनाया जाता है, कोई भी लॉ बनाया जाता है या कोई भी सिस्टम बनाया जाता है, तो हम क्योंकि नागरिक हैं, हम लोगों को उसको फॉलो करना होता है, चाहे हम कहीं भी रह रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रदेश है काफ़ी शांतिप्रिय प्रदेश है और हम जहाँ पर रहते हैं वह अमन और शांति अच्छी है। यहाँ पर क्योंकि उत्तराखंड एक मार्शल कॉम वाला प्रदेश है, मैं खुद यहाँ ही का रहने वाला हूँ, तो मार्शल कॉम उसको कहते हैं क्योंकि किसी भी कंट्री की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जहाँ पर से आदमी को या जो नव युवक हैं उनको जहाँ से चुना जाता है। तो बेसिकली आप लोग भी इसी तरीके से जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस तो इसलिए कर रहे हैं कि आप सेना में जाना चाहते हैं, आप पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब हम भी तैयारी करते थे तो हम भी इसी तरीके से पेशेंस से करते थे, क्योंकि पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आदमी भावनाओं में बह जाता है और भावनाओं में बहने के बाद वो कई स्टेप्स ऐसे उठा लेता है जिससे कि उसको वापस आ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों को पता है कि किसी का भी खिलाफ अगर कहीं पर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, उससे निकलने में काफ़ी समय लग जाता है। जब हम स्टूडेंट थे, मैं तो हॉस्टल में रहता था, तो हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट, तो वो क्या करते थे, कुछ कुछ करते रहते थे, लेकिन जिस पे कभी मुकदमा लग गया वो पता चला कि 5-6 साल, क्योंकि मुकदमेबाजी में टाइम बड़ा लग जाता है, कोर्ट केसेस में टाइम बड़ा लग जाता है, तो उससे निकलने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी हम ना करें जिससे कि हमारा पर्सनल अहित हो, क्योंकि देखिए चढ़ाने वाले लोग काफ़ी होते हैं लेकिन झेलना खुद को ही पड़ता है। आपको करवाने वाले कई लोग आपको बताएंगे भी कि ऐसा है सिस्टम, ऐसा है, लेकिन अभी आप लोग यंग हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कोई चीज़ गलत हो जाती है उसके बाद चीज़ें उल्टी पड़ने लग जाती हैं। तब तैयारी कर रहे थे UPSC की, तो सीटें केवल 200 हो गई थी, तो लोग हमें बोलते थे कि देखो भाई अब तो आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन सीटें तो केवल 200 ही हैं। तो हमने तब भी उनकी बातों में नहीं आए, हम अपनी तैयारी करते रहे। आज वही सीटें 1200 हैं। समय का कुछ पता नहीं रहता, समय जो आने वाला है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और जब आगे बढ़ता है और जब आपको पता पड़ता है कि यार मैंने तो वो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो और ज़्यादा अच्छा हो गया, तब लेकिन उसका रिवर्ट बैक नहीं हो पाता, उस चीज़ को आप पीछे नहीं कर सकते, समय को पीछे आप खींच नहीं पाते। इसीलिए आने वाले सालों में क्या होगा आप लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा ही नहीं। अगर फ्यूचर कोई देखने वाला होता तो फिर यहाँ पर आप सबको फ्यूचर पता होता, आप सब अपना अपना देखते, लेकिन कई जगह लिखा हुआ है। और तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई आपके पास आता भी है, आपको ज़बरदस्ती प्रोवोक भी करता है, लेकिन निर्णय आपका होता है। कभी भी इंसान ये नहीं कह सकता कि साहब उसने मेरे को चढ़ाया तो मैंने ये कर दिया, भाई निर्णय तो आपने लिया, और निर्णय सही निर्णय भी आप ही लेते हैं और गलत निर्णय भी आप ही लेते हैं। एक सक्सेसफुल और एक फेल्योर में क्या है कि सक्सेसफुल आदमी जो होता है, सफल आदमी जो होता है, वो सही निर्णय लेता है, और फेल्योर ये जो फेल होता है वो क्या करता है, वो गलत निर्णय लेता है। तो निर्णय आप लोगों के हाथ में है, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग आपके यहाँ पर हैं 24/7, हम लोग आपके साथ ही मिलकर काम करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे शेयर भी कर सकते हैं, हम भी यूनिफॉर्म सर्विस का पार्ट हैं। यूनिफॉर्म की नीतियाँ कई बार बदलती हैं, कई बार कुछ होता है, क्योंकि सरकार भी इसी तरीके से कार्य करती है, वो देखती है कि जनता का रुख